नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए देख लिया जाए, आज पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन पेपर लेकर के हम उपस्थित हैं। तो चलिए देख लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं पीजीटी के एग्जाम में। तो चलिए देख लिया जाए दोस्त, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पेटेंट कॉफर्स उपकरण किस क्रिया की दर निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है। कह रहा है पेटेंट कॉफर्स ऑपरेटस यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ, कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रकाश श्वसन। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका सही उत्तर है श्वसन के लिए यूज होता है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या है, रिस्पायरेशन। तो प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दो की बात करें, फटाफट देखिए दोस्त और थोड़ा सा कम समय में पूरे क्वेश्चन को कराने का हम प्रयास करते हैं। कह रहा है कि सभी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं वह संबंधित हैं महागण, मतलब किस सुपर ऑर्डर से बिलोंग करते हैं ऐसे पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं। कह रहा है ओडोंटो अग्नैथी की, कह रहा है इम्पिन्नी से, रैटिटी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, वो बिलोंग करते हैं रैटिटी से, किससे, रैटिटी से बिलोंग करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर तीन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहा है नीलगिरी आरक्षित जीवन मंडल अवस्थित है। नीलगिरी आरक्षित जीवन मंडल कहाँ अवस्थित है, कह रहा है केवल तमिलनाडु में, केवल कर्नाटक तथा केरल में, केवल तमिलनाडु तथा केरल में, केवल तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है डी नंबर। इसका कौन सा सही उत्तर है, डी नंबर, डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन चार नंबर का क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए फटाफट के अंदाज में। चार नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप है, जुइया लार्वा का कौन सा परिवर्तित रूप है, क्या है माइसिस, एलिमा, मेगालोपा, साइप्रिस। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है माइसिस, ठीक है, कौन सा, माइसिस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ अगर बढ़े तो चलो आ जाओ दोस्त, पांच नंबर का क्वेश्चन कह रहा है समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मछलियों का स्वतंत्र रूप से जो विचरण होता है कह रहा है क्या कहलाता है, कह रहा है केटरड्रॉमस माइग्रेशन, एम्फीड्रॉमस माइग्रेशन, कह रहा है एनाड्रॉमस माइग्रेशन, ननादीज। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है एम्फीड्रॉमस माइग्रेशन, इसका सही उत्तर है बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए छह नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर छह की तरफ अगर बढ़े तो फटाफट देखिए कह रहा है कि प्रायोगिक और अवलोकित नतीजों के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, साई स्क्वायर टेस्ट द्वारा, कि थीटा वैल्यू, की वेरियंस रेशियो, कि नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए किसका है ये भाई, बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या है, ए नंबर, इसका सही उत्तर है साई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, क्या, साई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सात की अगर हम बात करें तो देखिए सात नंबर में आ जाओ दोस्त, सात नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संयुक्त सूत्र युग्म अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है। कह रहा है कि सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस, ऐसा कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, कह रहा है प्रोफेज फर्स्ट, की जाइगोटिन में, प्रोफेज फर्स्ट पैकेटिन में, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड। इसका सही उत्तर है क्या, ए, इसका सही उत्तर है जाइगोटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है, कह रहा है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया, क्या, अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, कह रहा है कि 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका सही उत्तर है 2010, 2010 इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा है दोस्त, इसको भी देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है 9 नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज्यादा होता है, किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज्यादा, कह रहा है चीड़, देवदार, शीशम, साल। तो इसका सही उत्तर क्या है, किसका औसत भार सबसे ज्यादा होता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, साल का, किसका, साल, डी इसका सही उत्तर है, साल का औसत भार सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायांतरण में सम्मिलित है, कौन इसमें से, कह रहा है कीटों के कायांतरण के लिए है, तो कह रहा है इनमें से केवल किशोर हार्मोन, केवल एग्डाइसोन, किशोर हार्मोन तथा एग्डाइसोन दोनों, फिरामोन। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है बोथ, किशोर तथा हार्मोन एग्डाइसोन दोनों, ठीक है, किशोर हार्मोन तथा एग्डाइसोन दोनों। अगला कह रहा है 11 नंबर में, कह रहा है निम्न में कौन सबसे छोटा आरएनए है, कौन सबसे छोटा आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए कौन है, कह रहा है कि एमआरएनए है, कि आरआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है टीआरएनए, स्मॉलेस्ट।
टेस्ट आरएनए है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है उसको देख लीजिए। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, पीजीटी 2016 का यह क्वेश्चन पेपर है, पीजीटी 2016 का दोस्त यह क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फैमिली कुकुरबिटेसी गण से संबंधित है। फैमिली कुकुरबिटेसी गण से कौन संबंधित है, कह रहा है फिकॉइडेल्स, पैसिफ्लोरेल्स, सेपिंडेल्स कि मालवेल्स। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है पैसिफ्लोरेल्स। क्या पैसिफ्लोरेल्स इसका सही उत्तर है, ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। पैरामीशियम दो केंद्रक, एक मैक्रो एक माइक्रो, तो कह रहा है माइक्रो न्यूक्लियस पैरामीशियम में कह रहा है कैसा होता है, कह रहा है डिप्लॉयड होता है कि पॉलीप्लॉयड होता है, कि कह रहा है कि नॉन रिप्रोडक्टिव होता है कि द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसकी तरफ भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है कि एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज समूह निर्मित होता है, कह रहा है कितने यूनिट से निर्मित होता है एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज समूह, समझ रहे हैं, कह रहा है 5 यूनिट से, 6 यूनिट से, 7 यूनिट से कि 8 यूनिट से, कितने यूनिट से। तो इसका सही उत्तर है 8 यूनिट से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 अब यहाँ कह रहा है 15 में संयुक्त बहिफ्लोएमी खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं, कंज्वाइंट बाइकोलेटरल ओपन वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द स्टेम, आप किसके स्टेम में मिलते हैं, कह रहा है कुकुरबिटेसी के, रोजेसी, मालवेसी, रैनकुलेसी, किसमें मिलते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर क्या है, कुकुरबिटेसी में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, कुकुरबिटेसी में मिलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो गया, इसका सही उत्तर है ए नंबर, ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, 16 नंबर का क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, ठीक है, कब प्रकाशित हुई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है कब प्रकाशित हुई, कह रहा है 1809, 1858, 1859, 1956। इसका सही उत्तर क्या है, 1859 में प्रकाशित हुई, तो सी इसका सही उत्तर है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर में कह रहा है कि मेमोसा प्यूडिका की पत्तियों में कंपा नुकंचनी गति में सम्मिलित होता है, कह रहा है कि माइमोसा प्यूडिका इन द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ माइमोसा प्यूडिका लीव्स इन्वॉल्व, कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफिकल्ट डिफिसिट। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है टर्गर प्रेशर, इसका सही उत्तर है बी, इसका राइट आंसर है स्फीति दाब। अगला कह रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपघटन वक्र किसकी कमी से दाहिने ओर स्थानांतरित हो जाएगा, ऐसा कह रहा है दाहिने ओर स्थानांतरित हो जाएगा, कह रहा है कि CO2 सांद्रता, तापमान, pH, अम्लता। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है pH, ठीक है, pH इसका सही उत्तर है, क्या सी नंबर इसका सही उत्तर है पीएच। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कूट न करने वाला आरएनए है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग आरएनए, इनमें से नॉन कोडिंग आरएनए कौन है दोस्त, ऐसा ये कह रहा है नॉन कोडिंग आरएनए कौन है, कह रहा है निक आरएनए है कि एचएनआरएनए है, एसएनओ आरएनए है कि ऑल गिवन अबव। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है डी नंबर, ठीक है, ऑल गिवन अबव, सभी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है 20 नंबर में कि ब्लैडर कृमि पाया जाता है, ब्लैडर वर्म इज फाउंड इन, कह रहा है ब्लैडर कृमि पाया जाता है किसमें, कह रहा है मनुष्य की मांसपेशियों में, सुअर या गाय की मांसपेशियों में, मनुष्य के मल में कि मृदा में, किसमें पाया जाता है ब्लैडर वर्म कृमि, ये पाया जाता है सुअर या गाय की मांसपेशियों में। तो बी इसका सही उत्तर है, कौन सा, बी इसका सही उत्तर है, समझ रहे हैं दोस्त, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, एकदम फटाफट के अंदाज में बिल्कुल चलते हैं हम, समझ रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहा है सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है, तो ऐसा मान लीजिए कि आज आपका TGT एग्जाम चल रहा है और आप देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, कह रहा है RH विटेकर की, हीकेल की, वूज एट ऑल, कह रहा है कि कैवेलियर स्मिथ, ठीक है, कैवेलियर स्मिथ, इसका सही उत्तर क्या है, कैवेलियर स्मिथ इसका राइट आंसर है, डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ भी हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कह रहा है, 22 में कह रहा है कि चूजे के भ्रूण विकास में प्राथमिक रेख उष्मायन के कितने घंटे बाद बनती है, कह रहा है 18 घंटे बाद, 16 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 22 घंटे बाद, कितने घंटे बाद बनती है, तो वो बनती है 18 घंटे बाद, कितने घंटे बाद दोस्त, 18 घंटे बाद, ठीक है, इसका ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में कौन सी जाति है, हैप्लोजाइलॉन और
डिप्लोजाइलान नामक दो उपजातियों में विभक्त होती है। कौन सी ऐसी जाति है जो हैप्लोजाइलान और डिप्लोजाइलान दो उपजातियों में विभक्त की गई है? कह रहा साइकस है, पाइनस है, फेड्रा है, साइलोटम है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है पाइनस। ठीक है, पाइनस इसका सही उत्तर है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। कौन? पाइनस। ठीक है, पाइनस इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लवण मृदोद्भिद नहीं है? कौन सा लवण मृदोद्भिद नहीं है ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि कौन नहीं कह रहा है? डिस्टिक्लिस स्ट्रिएटा, आर्टिमिसिया ट्राइडेंटेटा, कि राइजोफोरा, कि इकॉर्निया क्रेसिपस। ठीक है, इकॉर्निया क्रेसिपस इसका सही उत्तर क्या है? इकॉर्निया क्रेसिपस इसका सही उत्तर है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें दोस्त, 25 नंबर क्या कह रहा है? फटाफट स्व मूल्यांकन आप करते रहिए, अपना चेक करते रहिए कि आपकी तैयारी लगभग कितनी जा चुकी है। मान लीजिए कि आज ही का ये पेपर है, ठीक है, तो देख लीजिए कि कितनी आपकी तैयारी है, कितने पानी में है। तो चलिए देख लीजिए, 25 नंबर कह रहा है कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग कहलाता है? कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग कहलाता है? कह रहा है प्री कैम्बियम, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? कौन सा कहलाता है रिगार्डेड एज एज ऑफ मैमल्स? एज ऑफ मैमल, तो इसका सही उत्तर है सीनोजोइक। कौन सा? सीनोजोइक, अर्थात डी इसका सही उत्तर है सीनोजोइक। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। जो तालाब पारिस्थितिकी होता है उसमें कह रहा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? कह रहा उल्टा होता है, पहले उल्टा फिर सीधा, केवल सीधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? हम आपको बता दें ऊर्जा का अगर पिरामिड की बात करें तो सदैव सीधा होता है, चाहे जहां लंदन में पूछ ले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल सीधा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ अगर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है उसको भी देखिए। 27 नंबर कह रहा है यहाँ पर कि जीनोबायोटिक्स संबंधित है। जीनोबायोटिक्स किससे संबंधित है? कह रहा है एंडोजीनस जहर से, एंटीबॉडीज से, वैक्सीन से, एक्सोजीनस जहर से। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? जीनोबायोटिक्स संबंधित है एक्सोजीनस जहर से। किससे? एक्सोजीनस पॉइजन से संबंधित है। ठीक है, एक्सोजीनस पॉइजन। अगला 28 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती, कह रहा है किसमें? उष्णकटिबंधीय वनों में, उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में, शीतोष्ण वनों में, मानसून वनों में। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अर्थात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका सही उत्तर है। कौन सा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 तो आ जाइए दोस्त, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है तो इसको भी देख लिया जाए। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कोशिका भित्ति का एक तंतु निर्मित होता है। कोशिका भित्ति का एक तंतु निर्मित होता है कितने सूक्ष्म तंतुओं से? कह रहा है 20 सूक्ष्म तंतुओं से, 100, 250, 50 सूक्ष्म तंतुओं से। इसका सही उत्तर क्या है? 250 सूक्ष्म तंतुओं से। कितने? 250 माइक्रोफाइब्रिल से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? 30 नंबर की अगर हम बढ़ें 30 नंबर की तरफ तो देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 30 नंबर में कि समीपस्थ कुंडलित नलिका के ग्लोमेरुलर निस्यंदन का रासायनिक संयोजन रुधिर प्लाज्मा से तुलनात्मक रूप में होता है। कह रहा है कैसे? आइसोटोनिक यूरिन होता है, हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक, कि ननाब्दी। जिसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है आइसोटोनिक यूरिन। ठीक है, कौन सा? आइसोटोनिक यूरिन। अगला 31 नंबर कह रहा है किससे व्युत्क्रम अनुवंशिकी अध्ययन कहते हैं, मतलब रिवर्स कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड एज रिवर्स जेनेटिक्स। रिवर्स जेनेटिक्स किसे कहते हैं ऐसा ये कह रहा है, रिवर्स जेनेटिक कह रहा है। कह रहा है कि फ्रॉम जीन टू एंजाइम, फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप, फ्रॉम फिनोटाइप टू डीएनए, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? 32 की तरफ अगर बढ़े तो देख लीजिए 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया? इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया ऐसा कह रहा है? कह रहा है ओडम, टेरेसन, टेंसले, वार्मिंग। किसने प्रतिपादित किया? टेरेसन ने। किसने? टेरेसन ने प्रतिपादित किया। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो 33 नंबर को देखिए फटाक से और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 33 नंबर का। कह रहा है कि विषैले सर्पों के विषदंत रूपांतरित होते हैं, विषैले सर्पों के विषदंत रूपांतरित होते हैं। इन पॉइजनस स्नैक फैंग्स आर मॉडिफाइड, किसके रूप मॉडिफाइड होते हैं? कह रहा है मैगजिलरी टीथ के मॉडिफाइड होते हैं, मैंडिबुलर टीथ, मोलर टीथ, नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या है? मैगजिलरी टीथ के रूपांतरित होते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्त
कह रहा है कि निम्नलिखित शोध क्रिया प्राणियों में कौन डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऐसा कह रहा है भाई, कौन उपयोग में लाई जाती है। कह रहा है नॉर्दर्न ब्लॉट, साउदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, साउथ वेस्टर्न ब्लॉट। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साउदर्न शोध। ठीक है, साउदर्न ब्लॉट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, इसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है जरायुजी प्रायः मिलता है, जरायुजी कह रहा वीवी पैराइटी जनरली ऑकर्स इन किस में। कह रहा है वाउचेरिया में मिलता है, एनसाइलोस्टोमा में, कि इंटेरोबियस में, कि ट्राइक्यूरिस में। इसका सही उत्तर क्या है? वाउचेरिया में मिलता है। किस में दोस्त? वाउचेरिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा? वाउचेरिया इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए अगला 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, ऐसा कह रहा है दोस्त। कह रहा है कि यमुना नदी पर, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका सही आंसर है भागीरथी पर। किस पर? भागीरथी इसका सही उत्तर है, सी नंबर इसका राइट आंसर है भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा नियम परिभाषित करता है कि प्राणियों के उपांग तथा पूंछ, पैर व सींग ठंड वाले क्षेत्रों में छोटे होते हैं। कह रहा है कि बर्गमैन का नियम, ग्लोगन का नियम, जॉर्डन का नियम, कि एलन का नियम। इसका सही उत्तर क्या है? एलन का नियम। किसका? एलन का नियम। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। कौन सा? डी। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर में 38 फटाक से देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है, वंश वृक्ष से कौन संबंधित? कह रहा है इडियोग्राम, कह रहा है इलेक्ट्रोफेरोग्राम, क्लेडोग्राम, क्रोमेटोग्राम। तो इसका सही उत्तर क्या है? क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम इज द राइट आंसर। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर की तरफ बढ़े तो देखिए फटाफट के अंदाज में 39 नंबर कह रहा है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के क्षेत्र में टाइप सेकेंड प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज निम्नलिखित में से किन गुणों के कारण अतुपयोगी है, मतलब कौन अतुपयोगी है। कह रहा है सेकेंड टाइप रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, किसके कारण यह जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कह रहा है कि वे डीएनए को अपने पहचान अनुक्रम के अंदर काटते हैं, इन्हें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, वे 4 से 6 बेस पेयर लंबे न्यूक्लियोटाइड के विलोम अनुक्रम को पहचानते हैं। कह रहे उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, डी नंबर, डी इसका सही उत्तर है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, 40 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए 40 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि सहगमन तंत्र गतिमान करता है, कह रहा है एसिम्पोट सिस्टम मूव्स। कह रहा है किसकी तरफ? कह रहा है कि एक प्रकार के अणु एकल दिशा में, दो विलेय एकल दिशा में, दो प्रकार के अणु विपरीत दिशा में, एक प्रकार के अणु दो दिशाओं में। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है दो विलेय एकल दिशा में, दो विलेय एकल दिशा में इसका राइट आंसर है। अगला देख लीजिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन को फटाक से देखिए, 41 नंबर में क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है 41 नंबर में यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जीवों की प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम है, किस जलीय जीवों की प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम है, ऐसा ये कह रहा है। कह रहा है स्वैम्प्स का दलदल की, कि प्रवाल भित्त की, कि एस्चुरी की, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर क्या है? प्रवाल भित्त अर्थात क्या? कोरल रीफ्स। ठीक है, किसकी? कोरल रीफ इसका सही उत्तर है। 42 नंबर में कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कास्ड बाई इम्प्योर वाटर ऑफ, कह रहा है आर्सेनिक, कैडमियम नाइट्रेट, मरकरी। आर्सेनिक, कैडमियम नाइट्रेट, मरकरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? नाइट्रेट से। किससे? नाइट्रेट से। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? 43 नंबर को देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 43 नंबर में मकड़ी द्वारा जाला बुनना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कह रहा है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, इम्प्रिंटिंग, कि लर्न बिहेवियर, कि कह रहा है रिलीजियर। तो इसका सही उत्तर क्या है? फिक्स एक्शन पैटर्न। ठीक है, कौन सा? फिक्स एक्शन पैटर्न। अगला 44 नंबर कह रहा है एक त्रिज्यता सममित या कशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा, किसमें रखा जाएगा दोस्त? कह रहा है पोरीफेरा में, कि निडेरिया में, प्लेटी हेलमेंथीज, काइनोडर्मेटा में। किसमें रखा जाएगा? रखा जाएगा निडेरिया में। किसमें? निडेरिया इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पीसीआर चक्र को निम्न नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है?
पीसीआर चक्र को कह रहा है, सी2 साइकिल, सी3 साइकिल, क्रेव्स चक्र, ईएमपी पाथवे, तो ये जाना जाता है सी3 साइकिल के नाम से। किसके नाम से? सी3 साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो गया दोस्त? सी3 साइकिल। 46 नंबर देखिए, कह रहा है वे प्लाज्मिड जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं क्या कहलाते हैं? वे प्लाज्मिड जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं क्या कहलाते हैं? कह रहा है कि इओप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट की जीरोन्टोप्लास्ट। इसका सही उत्तर क्या है? इलायोप्लास्ट। इसका राइट आंसर है सी, इज द राइट आंसर। अगला 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 47 नंबर का क्वेश्चन तो देखिए, 47 नंबर में दोस्त कह रहा है एल्केलॉयड रिजर्वाइन जड़ों में होती है। कह रहा है एल्केलॉयड रिजर्वाइन इज कंटेन्ड इन द रूट ऑफ, कह रहा है किसके जड़ों में होती है? कह रहा है पेपेवर सोमनीफेरन, सिनकोना फिसनेलिस, राउल्फिया सरपेंटाइना, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है राउल्फिया सरपेंटाइना की जड़ों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है उसको देखिए। 48 नंबर कह रहा है यहाँ पर पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस के कारण होता है। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजींस के कारण क्या होता है? कह रहा है मूल बहुप्रजाता, ट्यूमर निर्माण, ग्रंथिका निर्माण। इसका सही उत्तर क्या है? रूट प्रोलिफरेशन इज द राइट आंसर। रूट प्रोलिफरेशन इसका सही उत्तर है, अर्थात मूल बहुप्रजाता इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कह रहा है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन का स्कंदन करता है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन का स्कंदन करता है, किसका स्कंदन करता है? कह रहा है पेप्सिन का कि ट्रिप्सिन का कि रेनिन का कि रेनिन, रेनिन, रेनिन। तो इसका राइट आंसर है रेनिन। ठीक है, रेनिन इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें दोस्त, 50 नंबर में क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। 50 नंबर में कह रहा है कि रबड़ क्षीर एवं एक लंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं। कह रहा है रननकुलेसी में, क्रूटेसी में, अमरेंथेसी में कि यूफार्बियसी में। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? रबड़ क्षीर एक लंगी पुष्पयुक्त पौधे पाए जाते हैं यूफार्बियसी में। अगला 51 नंबर कह रहा है अस्थि मत्स्य सरीसृपों एवं पक्षियों में विपाटन होता है। कह रहा है कि इन बोनी फिश रिप्टाइल्स एंड बर्ड द क्लीवेज इज, कैसी होती है क्लीवेज भाई? कह रहा है कि मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल, कह रहा है कि होलोब्लास्टिक अनइक्वल, मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल कि कह रहा है होलोब्लास्टिक रेडियल। इसका सही उत्तर क्या है भाई? चक्रिक अंशभंजी, मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़े दोस्त, चलिए 52 की तरफ बढ़ते हैं। तो 52 नंबर क्या कह रहा है यहाँ? 52 नंबर में कह रहा है चेचक का कारण है। चेचक का कारण क्या है ऐसा ये कह रहा है भाई, चेचक का क्या कारण है? स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय कर वेरियोला वायरस, कोक्सिलिया एडीज कि फ्रेंसिएसेला। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? वेरियोला इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 53 क्या कह रहा है। 53 नंबर में देखिए, 53 नंबर आ जाइए भाई। 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वाहिकाएं पाई जाती हैं, वेसल्स आर फाउंड इन, कह रहा है किसमें पाई जाती वाहिकाएं? पाइनस में, इफेड्रा में, साइकस में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इफेड्रा में पाई जाती हैं वेसल्स। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो गया दोस्त? बी इसका सही उत्तर हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है एक्जोलोटल डिम्बक दर्शाता है, एक्जोलोटल लार्वा एग्जिबिट्स, कह रहा है किसको दर्शाता है? कह रहा है कि नियोटिनी वनली, पिडोजेनेसिस वनली, बोथ नियोटिनी पिडोजेनेसिस की यूटिली। इसका सही उत्तर क्या है? बोथ, क्या है? बोथ नियोटिनी एंड पिडोजिनेसिस, इसका सी इसका सही उत्तर है। अगला 55 नंबर के क्वेश्चन को देखें, 55 नंबर क्या कह रहा है दोस्त? 55 नंबर आ जाइए, कह रहा है 55 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन एक समांतर रेंडियर मास कहलाता है, कौन एक रेंडियर मास कहलाता है, इनमें से किसका नाम है? कह रहा है क्लेडोनिया रंगीफेरिना, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका, स्फैग्नम खासियाना, स्फैग्नम करासिलोनिकम। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है क्लेडोनिया रंगी फेरिना, इसका सही उत्तर है क्लेडोनिया रंगी फेरिना, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा है चार प्रकार के रंग यथा एल्बिनो हिमालयी, एल्बिनो अंगूठी एवं चिंचिल्ला खरगोश की त्वचा में पाए जाते हैं क्योंकि एक जींस में हो सकते हैं। कह रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता, एक जोड़ा उत्परिवर्तन, समविकल्पी, दो से कम विकल्प रूपी, दो से अधिक विकल्प रूपी। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ए पेयर ऑफ म्यूटेंट आइसोर एलिल्स, लेस देन टू एलिलोमार्फ्स, कह रहा है मोर देन टू एलिलोमार्फ्स। इसका सही उत्तर क्या है? डी इसका राइट आंसर है, डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा निर्माण से संबंधित है, कौन सी मृदा निर्माण से संबंधित है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो मृदा निर्माण से संबंधित है ऐसा ये कह रहा है। कह रहा है कि लेटराइजेशन, कि पोडोसोलाइजेशन, ग्लिसेशन, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? आप बताइए बिल्कुल फटाक से,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट भाई। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिलेटेड टू सॉइल फॉर्मेशन? लेटराइजेशन, पोडोसोलाइजेशन, जिलेशन, करा आलाप दैवो। इसका सही उत्तर क्या है? आलाप दैवो डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ अगर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? कॉर्डेटा में रुधिर का बहाव पृष्ठवाहिनियों में आगे की ओर होता है, ऐसा नहीं। इसको देखिए, कह रहा है इन कॉर्डेट्स ब्लड फ्लो एंटीरियरली इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स, नहीं। कह रहा है इन कॉर्डेट्स ब्लड फ्लोज पोस्टीरियरली इन डॉर्सल ब्लड वेसल। इसका सही उत्तर क्या है? यही इसका राइट आंसर है, बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम 59 की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? बिल्कुल फटाफट आप स्वमूल्यांकन करते रहिए दोस्त। कह रहा है कि पिसितांस क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंत्र परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंत्र प्रत्येक मायोसिन तंत्र को घेरे रहते हैं? ऐसा कह रहा है, कितने तंतु घेरे रहते हैं? कह रहा है 3, 6, 9, 12। इसका सही उत्तर क्या है? 6 इसका सही उत्तर है। कितना? 6 इसका राइट आंसर है। अगला 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर में क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आधार काय का केंद्रीय कोर सुसज्जित होता है। इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया द बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर इक्विप विथ। कह रहा है कि एल एंड पी रिंग ऑन इनर साइड, कह रहा है एम एंड एस रिंग ऑन आउटर साइड, एल एंड पी रिंग ऑन आउटर साइड एंड एस एंड एम रिंग ऑन इनर साइड। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा? सी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कर निलई आकुंचन प्रेरित होता है, निलई आकुंचन प्रेरित होता है ऐसा कह रहा है। कह रहा है किसके द्वारा प्रेरित होता है? एसए नोड द्वारा कि एवी नोड द्वारा? एसए नोड, एवी नोड। कह रहा है कि यहां कह रहा पल्मोनरी वैल्यू की एवी अपर्चर। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है एवी नोड, इसका सही उत्तर है बी नंबर, बी इसका राइट आंसर है। अगला 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर में क्या कह रहा है दोस्त? 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर में कह रहा है फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। कह रहा है इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन ऑकर्स बिटवीन क्रोमोसोम्स। कह रहा है 9 and 12, 7 and 17, 10 and 21, 6 and 16। इसका सही उत्तर है 9 and 22। ठीक है, इसका सही उत्तर है ए नंबर। कह रहा है स्तनियों में आमल बनता है, प्लेसेंटाइन मैमल्स इज फॉर्म बाई। कह रहा है किसके द्वारा बनता है? कह रहा है एलोन्टोइस के द्वारा, एमनियोन, कोरियोन की बोथ है एंड सी। इसका सही उत्तर क्या है? कोरियोन, इसका सी इसका सही उत्तर है कोरियोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़े अगर, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हम आपको बता दें इसका ये अपवाद में है 64 नंबर क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पे क्या किया है बिल्कुल रिंगा मारा है। चलिए 65 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? कह रहा है प्रोफेसर बीरबल साहनी है। तो यही कौन है भाई? कह रहा है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, कह रहा है कि इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है? ऐसा कह रहा है बीरबल साहनी नहीं है। कह रहा है प्रोफेसर आर पी राय नहीं। कह रहा है कि एम ओ पी अंगर नहीं, लोगोलॉजिस्ट हैं ये तो पैलियोबॉटनिस्ट हैं। कह रहा है कि प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी जी, बिल्कुल ये माहेश्वरी जी हैं। कौन है? प्रोफेसर पी माहेश्वरी। ठीक है, पंचानंद माहेश्वरी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 नंबर में क्या कह रहा है दोस्त? यहाँ कह रहा है अर्थवर्म, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता है? तीनों में क्या समानता है? ऐसा कह रहा है, कह रहा है दे हैव मेलपीगियन ट्यूब्यूल, नहीं, दे हैव वेंट्रल नर्व कार्ड, दे हैव हर्माफ्रोडाइट, दे हैव नो लेग्स। इसका सही उत्तर क्या है? बी नंबर, इसका राइट आंसर है दे हैव वेंट्रल नर्व कार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्टार फिश की लार्वल अवस्था नहीं है? स्टार फिश की कौन लार्वल अवस्था नहीं है? कह रहा है प्लेन्यूला नहीं है, कि डाइप्लूरिला है, कि बाइपिनेरिया है, कि ब्रैकियोलेरिया है? कौन सी अवस्था नहीं स्टार फिश की? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, प्लेन्यूला। ठीक है, क्योंकि ओबिलिया का है ये। किसका है? ओबिलिया का। ठीक है, अगला देखिए 68 नंबर में थोड़ा सा कुछ लंबा चौड़ा दे दिया है, देख लीजिए थोड़ा लंबा चौड़ा इसको बना लीजिए, लंबा चौड़ा ऐसा कह रहा है। लंबा चौड़ा में कह रहा है सूची एक को, सूची एक कह रहा है सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उपयोग का सही उत्तर करके चुनिए। ये ऑप्शन है, इनमें से चुनना है।
कह रहा है संकटापन्न, श्वेत पत्र, अंबर पत्र, हरित पत्र और लाल, इसका लाल पत्र। संकटापन्न का किससे संबंध है? लाल पत्र से। अब कह रहा है कि सुभेद गए मतलब वल्नरेबल, इसका किससे संबंध है? तो इसका संबंध है भैया अंबर पत्र, ठीक है। अगला कह रहा है दुर्लभ, दुर्लभ मतलब रेयर, रेयर का संबंध किससे भाई? तो इसका संबंध है श्वेत पत्र से। कह रहा है संकट से बाहर, अब कौन बचा? संकट से बाहर जो है तो उसे क्या कहेंगे? हरित पत्र। तो किससे संबंध है? एक अचार से, तो एक अचार से दुई ठो है नहीं। अब यहां कह रहा है कि दुई का दुई से, दुई का दुई से, ठीक है ये सही है। तीन का एक से, तो तीन का एक से किससे है भैया? तीन का ए, सी का एक से, ए। इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका सही उत्तर है। कौन सा? ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं, कौन सा? 69 नंबर क्वेश्चन, नंबर 69 देखिए। कह रहा है यहां पर कि एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना की थी, कह रहा है इमुंच ने कि रेबिनोविच ने, कि कह रहा है जेलिस्टच ने कि बोस ने, किसने किया था? तो इसकी परिकल्पना किया था इमुंच ने, किसने? इमुंच ने। अगला 70 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन अणु सर्वाधिक विशाल है? कौन सर्वाधिक विशाल है? कह रहा है IgA, IgM, IgD, IgE। इसका सही उत्तर क्या है भाई? IgM, ठीक है। IgM इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई। देखिए बहुत गर्मी है भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लिया जाए, तब तक देखिए बिल्कुल बताते रहिए इसका आंसर क्या होगा दोस्त, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 71 नंबर का? देखिए और फटाफट कमेंट करिए और बताइए फटाक से कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त, ठीक है। चलिए 71 नंबर की अगर बात करें दोस्त, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल फटाक से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 71 नंबर। कह रहा है पूजायांग धर पाया जाता है, एंड्रोगाइनोफोर इज प्रेजेंट इन, कह रहा है किसमें, किसमें पाया जाता है? कह रहा है क्लियोमी गाइनेंड्रा में, कि मुसांडा फ्रेंडोसा में, कि कह रहा है कि रेवेना रेवेनेला में, मेडागास्करलेसिंस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे ऐसे नाम है यार, क्या बताया जी। इसका सही उत्तर क्या है? ए नंबर, क्लियोम गाइनेंड्रा में, ठीक है। 72 नंबर में देखिए कह रहा है किसमें जलीय जीवन अनुकूल द्वितीयक होता है, किसमें होता है भाई? इन विच एडाप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी, कह रहा है व्हेल में, कि सील में, कि कह रहा है प्रस्पोइस में, कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी में। 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर में निम्न में से कौन सी भ्रूणी झिल्ली भ्रूणी मूत्राशय का कार्य करती है? कौन भ्रूणी झिल्ली भ्रूणी मूत्राशय का कार्य करती है? कह रहा है एलेंटोइस, एलेंटोइस की योग सैक एमनियोन कोरियोन, इसका सही उत्तर है एलेंटोइस, एलेंटोइस। 74 नंबर कह रहा है किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, किसमें केंद्रक अनुपस्थित? कह रहा है कि सीव ट्यूब में अनुपस्थित होता है, कंपेनियन सेल में, कि फ्लोएम पैरेन्काइमा, कि नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर क्या है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन सीव ट्यूब, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस का होता है एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? 75 नंबर का क्वेश्चन इसको देखिए, 75 कह रहा है अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कह रहा है कि लाल रुधिर कणिका में, श्वेत रुधिर कणिका में, रक्त प्लाज्मा में, कि थ्रोम्बोसाइट में। इसका सही उत्तर है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, रक्त प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, 76 नंबर का क्वेश्चन, 76 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है बहिर्जनित विष वह होते हैं जो एग्जोजीनस पॉइजन आर दोज दैट, कह रहा है कि क्या होते हैं? इंटर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, बाहर इन्वायरमेंट से अंदर प्रवेश करना। तो इसका सही उत्तर यही है, बिल्कुल ए ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा? ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका, कह रहा है फेड्रा में, कि कारा में, कि इक्टोकार्पस में, मार्केंसिया में। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है कारा में, किसमें? कारा में पाई जाती है सबसे लंबी कोशिका, किसमें? कारा इसका सही उत्तर है। कौन सा दोस्त? कारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 78 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 नंबर इसको भी देखिए फटाक से,
कह रहा है 78 नंबर में विषम शब्द खोजिए, एलडी 50, एलसी 50, ईसी 50 और एलई 50। इसका सही उत्तर क्या है? एलई 50 इसका विषम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है क्लेमाइडोमोनास की किस प्रजाति में पामेरावस्था की कोशिकाएं हिमेटोक्रोम विकसित करती हैं और अचल सुप्त बीजाणु बन जाती हैं? कह रहा है किस में होती है भाई? कह रहा है क्लेमाइडोमोनास कॉर्डेटा, क्लेमाइडोमोनास यूगैमिटास में, क्लेमाइडोमोनास क्लिनियाई में, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। इसका सही उत्तर क्या है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस इसका राइट आंसर है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 दोस्त, कह रहा है 80 में कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है। कैपिटुलम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? कह रहा है एजिरेटम में, कि हिबिस्कस में, कि साइसर में, कि प्लुमेरिया में। किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एजिरेटम में। किस में? एजिरेटम में कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है इसको भी देखिए। कह रहा है कि डीएनए के आरएल मॉडल का सुझाव किसने दिया था? डीएनए आरएल मॉडल ऑफ डीएनए वाज सजेस्टेड बाय, कह रहा है एमएच एफ विल्किंस में, कि एचजी खुराना, कि कह रहा है शशि शेखरन, कि चारगॉफ। इसका सही उत्तर क्या है? शशि शेखरन इसका सही उत्तर है, शशि शेखरन। अगला कह रहा है किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं? किससे प्रसव हार्मोन कहते हैं ऐसा कह रहा है? कैसा? वैसोप्रोसिन को, कि पैंक्रियोजाइमिन को, कि ऑक्सीटोसिन को, प्रोजेस्ट्रॉन को। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन को कहते हैं प्रसव हार्मोन। किसको कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं दोस्त? इसको कहते हैं प्रसव हार्मोन कहते हैं। किसको? ऑक्सीटोसिन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 83 दोस्त, यहां पर कह रहा है 83 नंबर में निम्नलिखित में से किस कुल में C3, C4 एवं कैम पादप जातियां पाई जाती हैं? करा क्रेसुलेसी, कैक्टेसी, पोएसी, यूफार्बिएसी। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त? इसका सही उत्तर है यूफार्बिएसी में। किसमें? यूफार्बिएसी इसका राइट आंसर है, डी नंबर इसका सही उत्तर है दोस्त। ठीक है, बहुत भाई मेहनत, देखिए आपको बता दें लाइट भी नहीं है, बहुत गर्मी है, समझ रहे हैं, बड़ी उमस है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है इसको भी देखिए। 84 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? मतलब पहले प्रोटोजोआ द्वारा, फिर जीवाणु द्वारा, फिर विषाणु द्वारा। तो कौन होता है? कह रहा है मलेरिया, गलसुआ तथा तंद्रित ज्वर, अमीबियोसिस, पोलियो तथा टिटनेस, निंद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ, भी पीत ज्वर, उपदंश तथा इन्फ्लुएंसा इन्फ्लुएंजा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी नंबर, निंद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ, भी। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 85 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है इसको भी देखिए। कह रहा है मानव कोशिकाओं का माइटोकांड्रियल डीएनए नहीं होता है। कैसा नहीं होता मानव का माइटोकांड्रियल डीएनए? कह रहा है नग्न, द्विसूत्री, वृत्ताकार, पैतृक उत्पत्ति का। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी नंबर, ऑफ पेरेंटल ओरिजिन, पैतृक उत्पत्ति का। 86 नंबर में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है किस जाति में सीटा परिपक्वता पर 50 एमएम तक लंबा तथा लगभग पारदर्शी हो जाता है? कह रहा है मार्केंसिया में, पेलिया में, फ्यूनेरिया में, किस फैग्नम में? किस में होता है? ये होता है पेलिया में। ठीक है, किस में? पेलिया में। अर्थात 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 87 नंबर आ जाओ दोस्त, 87 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 87 नंबर में यहाँ कह रहा है सुक्रोज में निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है? सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है? कह रहा है कि α1,4β1,4, α1,β2, कह रहा है α1,6। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? α1,β2 इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 88 इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उस घटना की संभाव्यता पी प्रदर्शित करता है जो अवश्य भावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन? ऐसा कह रहा है, कह रहा है पी बराबर 1, पी बराबर 10, पी बराबर 50, पी बराबर 100। तो इसका सही उत्तर है क्या? पी बराबर 1। ठीक है, पी बराबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है इसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कोकस न्यूसीफेरा के विकासशील फल में दुधिया तरल पदार्थ भरा होता है, यह है क्या है भाई? द डेवलपिंग फ्रूट ऑफ कोकस न्यूसीफेरा कंटेन्स मिल्की फ्लू, इट इज क्या होता है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, लिक्विड सिंकाइटियम, की सोल्यूशन ऑफ अ नॉन मॉर्फोलॉजिकल नेचर, की कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी इसका सही उत्तर है। अगला कह रहा है एक हीमोग्लोबिन अणु संवहन करता है, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज, कितने अणुओं को संवहन करता है? कह रहा है फोर मॉलिक्यूल ऑफ O2,
कह रहा है कि तीन मॉलिक्यूल ऑफ O2 कि दो मॉलिक्यूल ऑफ O2 एक मॉलिक्यूल ऑफ O2। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चार ऑक्सीजन के अणुओं का, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। गुणसूत्र पर जीन के अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा है कि जीन लोकेलाइजेशन की, कह रहा है कि जीन सिक्वेंसिंग की, क्रोमोसोमल मैपिंग, कह रहा है कि डीएनए सिक्वेंसिंग। इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग इज द राइट आंसर, गुणसूत्री मानचित्रण। अगला 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 92 नंबर का, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 92 भाई कह रहा है, 92 में कह रहा है यहाँ पर कि स्तनधारियों में रुधिर का दोहरा परिपथ संबंधित है किससे। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स रिफर टू पेयर्ड आर्टरीज पेयर्ड वेन्स, द ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस इन हार्ट एज क्विकली। कह रहा है कि द प्रोसेस इन कंप्लीटेड इनटू टू टर्न, वन फॉर्म हार्ट टू लंग एंड बैक टू द रेस्ट ऑफ बॉडी फॉर्म हार्ट। इसका सही उत्तर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। पूरी प्रक्रिया दो बार में होती है, प्रथम हृदय से फेफड़े तक और वापस फिर हृदय से संपूर्ण शरीर तक। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 93 कहीं मक्खी बैठी, जी बिल्कुल मक्खी बैठी गई। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। देखिए 93 में कह रहा है यहां पौधों में प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला जो छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है क्या कहलाती है। द फूड चेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल इज डेट्राइसस फूड चैन, पैरासिटिक फूड चैन, प्रीडेटर फूड चैन, सेप्रोफाइटिक फूड चैन। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला इसका सही उत्तर है। कौन? प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 94 नंबर में अगर देखें तो 94 नंबर दोस्त देखिए बहुत परेशान करते हैं भाई ये मक्खी 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 मक्खी, ठीक है, कहाँ बैठ गई भाई। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए 94 नंबर, इस पर मैंने लगाया है बिल्कुल गोला, अर्थात इसे फाल्स कर दिया गया, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, यहीं से इसको फाल्स कर दिया गया था परीक्षा के बाद से ही, समझ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है इसको देखिए। 95 नंबर में कह रहा है कि मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में किस वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में हुआ था भाई। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम इन द ईयर, कह रहा है कि 1972, 1986, 1992, 2000। इसका सही उत्तर 1972, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 96 नंबर का, 96 नंबर क्वेश्चन में देखिए जरा क्या कह रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका, कह रहा है सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिसियस स्पीक्यूल्स इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्पॉन्ज, प्रोवाइडेड बाय सिम्बियोटिक एल्गी, सप्लाइड बाय बैक्टीरिया, कह रहा है एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पॉन्ज फ्रॉम द सी वाटर। इसका सही उत्तर क्या है? डी नंबर, स्पॉन्ज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करें तो देखिए 97 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पौधों में कौन सा हरा स्पोर पैदा करता है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरा स्पोर पैदा करता है, कह रहा है साइलोटम है कि लाइकोपोडियम है कि रिक्सिया है कि इक्विसीटम है, तो कौन हरा स्पोर पैदा करता है, इक्विसीटम। अगला देखिए 98 कह रहा है पाइला में वायु शोषण होता है, पाइला में वायु शोषण किसके द्वारा, कह रहा है कि पल्मोनरी सैक के द्वारा, मेंटल टिनिडियम की ब्रैंकी, इस किसके द्वारा होता है, पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है, ठीक है, एरियल रिस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम बात करें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है प्राकृतिक पाए जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, कह रहा लाइसोजाइम किसमें पाया जाता है, कह रहा है सिलाइवा में, लार में, आंसू में, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, तो किसमें पाया जाता है, नेचुरली ऑकरिंग एंजाइम लाइसोजाइम इज फाउंड इन बोथ ए एंड बी, मतलब सिलाइवा में भी और टीयर्स में भी। 100 नंबर में कह रहा है कि इलेटेरिया कार्डमोमम किसके अंतर्गत आता है, इलेटेरिया कार्डमोमम बिलोंग्स टू द, कह रहा है डाइकॉट, मोनोकॉट, कोनीफर, कह रहा है कि, और अगला कह रहा है कि मोनोक्लेमाइडी। इसका सही उत्तर क्या है भाई, मोनोकॉट, कौन सा, मोनोकॉट में आता है, बीस का सही उत्तर, एक बीजपत्री। 101 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर में क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 101 नंबर कह रहा है कि किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण यदि किसी जीन का लक्षण प्ररूप परिवर्तित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, कहते हैं, कह रहा है ओवर डोमिनेंस कहते हैं कि लीथल जीन कहते हैं कि सेल्फिश जीन कहते हैं कि इपी स्टैटिस कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका है इपी स्टैटिस इज द राइट आंसर, डी नंबर। 102 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 102 नंबर का उसको भी देख लीजिए। 102 नंबर का क्वेश्चन अब यहां कह रहा है 102 में
रूट नाट रोग उत्पन्न होता है, रूट नाट रोग उत्पन्न होता है, कह रहा है माइकोप्लाज्मा से, निमेटोड से, वायरस से, कवक से। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है निमेटोड से। किससे? निमेटोड से। इसका राइट आंसर है निमेटोड। अगला 103 नंबर देखिए, 103 नंबर का क्वेश्चन, उसको वो क्या कह रहा है 103 नंबर का? तो देखिए कह रहा है काक्रोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कह रहा है कि कार्पोरा कार्डियका, प्रोथोरा ग्लैंड, की कार्पोरा इलाटा, की ब्रेन। इसका सही उत्तर है कार्पोरा इलाटा, सी इज द राइट आंसर। अगला 104 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखिए। 104 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट चल रहे हैं भाई, बिल्कुल सनासन चल रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं? कह रहा है बैसिलस थ्रिविजिनेंसिस है, कि राइजोबियम मिलिलोटी है, एस्चेरिया कोलाई है, कि स्यूडोमोनास प्यूडिडा है। इसका सही उत्तर है एस्चेरिया कोलाई। कौन? एस्चेरिया कोलाई, कोलाई इज द राइट आंसर। 105 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 105 नंबर का, इसको भी देखिए। 105 नंबर का कह रहा है कि मोती की माता नाम से कौन जानी जाती है? कह रहा है मोती की माता कौन है भाई? कह रहा है कि कैंक्योलिन है, कि कैल्साइड है, कि नेक्री लेयर है, कि नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या है? नेक्री। कौन सा? नेक्री इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला 106 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 106 नंबर का, देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक वनस्पति नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है, क्या कहलाता है? कह रहा है टाटोनम, कि सिनानिम, होमोनिम, आटोनिम। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है टाटोनिम। कौन सा? टाटोनिम इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला 107 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। 107 नंबर का कह रहा है पश्चिमी हिमालय पर्वतीय पादप क्षेत्र का विस्तार है, कह रहा है 1000 से 5000 फीट समुद्री तल से ऊपर, 5000 से 10000 फीट समुद्र तल से ऊपर, 5000 से 11675, 6000 से 11675। इसका सही उत्तर क्या है? 5000 से 11675 फीट समुद्र तल से ऊपर, ठीक है। 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 108 नंबर का क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए। 108 नंबर में कह रहा है कुछ पारिस्थितिकी विज्ञानी हरे पौधों को पारक्रमिक कहना अधिक पसंद करते हैं, न कि, कह रहा क्या नहीं कहना पसंद करते हैं? कह रहा कन्वर्टर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, की पायोनियर्स। इसका सही उत्तर क्या है? प्रोड्यूसर इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 109 नंबर में कह रहा है किसमें ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? कह रहा है आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उत्तर ध्रुवीय प्रदेश में, दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में। तो आप जानते हैं कहाँ होती है ओजोन की अधिकता होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर इज द राइट आंसर। 110 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 110 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। 110 नंबर अब यहाँ कह रहा है 110 नंबर में पत्तियों के तने पर लगने के पेंटास्कस तरीके में कोणीय विस्थापन है, ऐसा आ गया क्वेश्चन भाई, एंगुलर डाइवर्जेंस इन पेंटास्टाइकस फिलोटैक्सीज। कह रहा है इसका सही उत्तर क्या है? 1/3 ऑफ 360 डिग्री का 1/3, 360 डिग्री का 2/5, 360 डिग्री का 1/2, 360 डिग्री का 1/4। इसका सही उत्तर क्या है? 360 डिग्री का 2/5। अगला 111 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है 111 नंबर का इसको भी देखिए फटाक से। 111 नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ 111 नंबर में क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग में सम पुमंगी पुंकेसर पाया जाता है, सिनेंड्रस स्टामिन आर फाउंड इन द फैमिली। कह रहा है सिनेंड्रस स्टामिन आर फाउंड इन द फैमिली ऑफ एस्टेरेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, पैपेलियोनेसी। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है कुकुरबिटेसी। इसका सही उत्तर है कुकुरबिटेसी, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। अगला 112 नंबर में देखिए, 112 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई। 112 नंबर का क्वेश्चन 112 नंबर में क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सभी मीन अंडे देती हैं, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, सभी छिपकलियाँ विषैली होती हैं, वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है। कह रहा है इन कथनों में से, किन कथनों में से? कह रहा है कौन सा सही है भाई इन कथनों में? कह रहा है केवल 1 तथा 2 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है, केवल 2 तथा 5 सही है, केवल 2 सही है। तो देख लीजिए कौन सही है, सभी पक्षी उड़ते नहीं है, केवल 2 सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डिस वनली 2 इज करेक्ट, ठीक है, केवल 2 नंबर इसका सही है। अगला 113 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर में वो क्या कह रहा भाई? 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर में यहाँ कह रहा है कि ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है, स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज कौन है? कह रहा है एनिलिन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, की ट्राइपन ब्लू। इसका सही उत्तर है क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर है। 124 का शरीफा, सीताफल, एनोना
स्क्वेमोसा है, क्या है कह रहा है, सग्रंथिल फल है, एकल फल है, पुंज फल है, साइकोनस फल है, कैसा है भाई, यह है एग्रीग्रेट फ्रूट है, कैसा है एग्रीग्रेट सीता फल, ठीक है शरीफा, यह कैसा एग्रीग्रेट फल है। 115 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए भाई, 115 नंबर का देखिए, 115 नंबर में क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है कि उभय फ्लोएमी नालरम्भ किसमें पाया जाता है, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील इज फाउंड इन, कह रहा है लाइकोपोडियम में कि फेड्रा में कि सिलेजिनेला में कि मार्सिलिया में, किसमें पाया जाता है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील, पाया जाता है मार्सिलिया में, इसका सही उत्तर है मार्सिलिया। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 116 नंबर में देखिए, 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस खंड के द्विगुणन के कारण ड्रोसोफिला में बार नेत्र लक्षण प्रकट होता है, बार नेत्र लक्षण प्रकट होता है किसमें, कह रहा है कि वाई गुणसूत्र का खंड 16A, वाई गुणसूत्र खंड का 16A, वाई गुणसूत्र सॉरी एक्स गुणसूत्र खंड का 16A, कह रहा है कि वाई गुणसूत्र का खंड 18A, कह रहा है कि वाई गुणसूत्र का खंड 18B, इसका सही उत्तर क्या है, यक्ष गुणसूत्र का खंड 16A, इसका सही उत्तर है बी, इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्त, कौन सा बी। अगला 117 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 117 नंबर में उसको देखिए, 117 नंबर कह रहा है कि किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वी होती है, कह रहा किस में होती है, रिक्सिया परसोनी में कि कह रहा मार्केंसिया पालमेटा में, पैलिया एपिफाइला में, किन्थोसिरास लेविस में, इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर रिक्सिया परसोनाई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर का, 118 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए भाई, 118 नंबर देखिए कह रहा है आवृत बीजी पौधों में गुद बीजाणुधानी निरूपित होती है, इन एंजियोस्पर्म द मेगास्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, कह रहा है किसके द्वारा मेगास्पोरेंजियम रिप्रेजेंट होती है, कार्पेल ओवरी ओयूल एम्ब्रियो सैक, किसके द्वारा, बीजाणु द्वारा, ओयूल द्वारा, किसके द्वारा, ओयूल, इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 119 नंबर का क्या कह रहा है, कह रहा है मेट हीमोग्लोबिनिया का कारण है, मेट हीमोग्लोबिनिया का कारण क्या है, कह रहा नाइट्रेट उर्वरक है, सीसा विषाक्तता है, पेयजल में फ्लोराइड्स है, ऑक्सीटोसिन है, इसका सही उत्तर क्या है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट उर्वरक है, ठीक है नेट नाइट्रेट उर्वरक इसका सही उत्तर है। 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 नंबर में अगर बढ़ें तो देख लीजिए, 120 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम व्हिच प्लांट, कह रहा है लाइकोपोडियम से, सिलेजिनेला से, साइकस से, पाइनस से, इसका सही उत्तर है सिलेजिनेला से, किससे, सिलेजिनेला से। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर का देख लीजिए क्या कह रहा है, 121 नंबर में, अब यहां कह रहा है 121 नंबर में कि आंतरी रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं, कि क्या नहीं अवशोषित कर रहे हैं, कर सकती हैं, कह रहा फैटी एसिड एवं ग्लिसराल, कह रहा ग्लूकोज साल्ट अमीनो एसिड, इसका सही उत्तर क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसराल को अवशोषित नहीं कर सकती हैं। 122 नंबर का त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है, फिनामिन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन किसमें पाई जाती है, कह रहा है क्लेमाइडोमोनास में, उडोगोनियम में, कि फाइकस में, फ्यूकस में, कि पेडाइना में, इसका सही उत्तर क्या है, उडोगोनियम में, किसमें, उडोगोनियम इज द राइट आंसर, ठीक है। 123 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए भाई, 123 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है देखिए 123 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि आत्मपरागणता पाई जाती है, हर्कोगैमिस फाउंड इन, कह रहा है हर्कोगैमी कॉटन, कैलोट्रॉपिस मैरीगोल्ड बाजरा, इसका सही उत्तर क्या है, मदार में, किसमें हर्कोगैमी पाई जाती है भाई, मदार अर्थात कैलोट्रॉपिस, इसका सही उत्तर है। 124 नंबर कह रहा है फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक है, फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक है किसमें, कह रहा है कि किसमें है, साइटोनीमा में, कारा में, एक्टोकार्पस में, वालवाक्स में, किसमें है भाई, इसका सही उत्तर है एक्टोकार्पस में, किसमें, एक्टोकार्पस, इसका सही उत्तर है। चलिए 125 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 125 नंबर का देख लीजिए भाई, 125 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए फटाक से इसका उत्तर बताइए दोस्त, इसका पढ़िए और फटाक से उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका फटाक से आप उत्तर बताइए 125 नंबर का। और जान रहे हैं कि बिल्कुल मैं पीजीटी 2016 के प्रश्न को लेकर के आया हूं और इसको करा रहा हूं, तो देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है कितनी हुई है, इसका उत्तर क्या होगा 125 नंबर का, ठीक है। कह रहा है गाइनोबेसिक वर्तिका पाई जाती है, गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, गाइनोबेसिक स्टाइल किस, कह रहा है स्टेरेसिक, लैमियसी, रेनेनकुलेसी, रोजेसी, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है लैमियसी में, किसमें, लैमियसी, इसका सही उत्तर है कौन सा, लैमियसी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्त ये रहा बिल्कुल प्रैक्टिस सेट जो मैंने इतने जल्दी से करा दिया, और मेरा मुख्य एकमात्र उद्देश्य था कि आप आकलन कर लें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है, यहाँ समझाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि आपका स्वमूल्यांकन के उद्देश्य से मैं यह प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुआ था, ठीक है। अभी हमारे पास 2013 का भी क्वेश्चन पेपर है, पीजीटी बायोलॉजी 2013 का भी सभी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको परीक्षा और आगे फाइट भी करना है तो बिल्कुल आपको इसी तरीके डटे रहना है। तो दोस्त चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।